जी, तो हमने अभी ये इसका वेबसाइट हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसका जो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे ऑर्डर करना है। तो बस ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे जैसे हम जस्ट हमने क्लिक किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। ऐड टू कार्ट पे जी क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन दिख जाएगा, जो आपको दो रखना है, तीन रखना है या चार लेना है, जो भी आप क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्वांटिटी ओके सेलेक्ट करेंगे उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पे ओके आपको प्रोसीड पे ऑर्डर करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे करना है। कंटिन्यू पे यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया। अगर आप मोबाइल नंबर से है, पहले से लॉग इन है, तो आप मोबाइल नंबर जी से कीजिएगा, अदरवाइज जो है उसका इससे कीजिएगा। ओके तो यहाँ हाँ, इसमें ओटीपी का भी सिस्टम है। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको ओटीपी सिस्टम भी आएगा। अब यहाँ पे अच्छा ये अगर एज आप नया नया कस्टमर के हिसाब से करना चाह रहे हैं, तो रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी मैं रजिस्टर कर रहा हूँ यहाँ ओके पे। तो आपका स्क्रीनशॉट फ्रीज हो गया। अच्छा नहीं, आप मेरा स्क्रीनशॉट चल रहा है, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, स्क्रीन मूव नहीं हो रहा कुछ, जैसे आप क्लिक कर रहे हैं कहीं पे वो दिखाई नहीं दे रहा। ओके, ये देखिए दिख रहा है अब। हाँ आप आ रहा जी यहाँ से। अच्छा वो असल विंडोज चेंज किया था ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके इसमें गेटवे लगा हुआ है, एसएमएस गेटवे। ओके जी, एसएमएस गेटवे भी लगा हुआ है। ठीक, ये आपका इसका पूरा प्रोसेस फिर मैं आपको दिखा देते एक बार। जैसे कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद वो जो है सेलेक्ट किया और इस पे जस्ट ऐड टू कार्ट किया, ये चेकआउट पे क्लिक किया। तो अभी तो मैं लॉग इन हूँ, इसलिए लॉग इन नहीं मांगेगा। अगर अदरवाइज लॉग इन अगर नहीं रहता तो यहाँ पे पहले लॉग इन मांगता। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आप एड्रेस चूज करना है, जो भी एड्रेस है। मैं जस्ट अभी यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं अभी डिलीट कर दूंगा इसको। नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका, ये जो मल्टीपल जो सिलेक्शन है, आप कंट्री है, स्टेट है, सिटी है, ये अगर ओके मैप मैप का रखना चाहें तो रख सकते हैं गूगल लोकेशन के अकॉर्डिंग। ओके वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके जी ठीक है, तो ये अगर आप देखना चाहेंगे इसका जो मैप का लोकेशन, जैसे कि हम स्टेट वाइज अगर करना चाहते हैं, वो अगर हम लोकेशन वाइज अगर आप शिपिंग कराना चाहें, तो वो शिपिंग आपको यहाँ से इनेबल करनी पड़ेगी। कौन सी जगह से आप करना चाह रहे हैं, इंडिया में कौन सी जगह से करना चाह रहे हैं, और अच्छा, आउट ये ऑफ। इंटरनेशनल भी है इसमें। हाँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई बंदा ऑर्डर ना कर पाए, जैसे अभी देखें यहाँ पे, अभी इंडिया में इन्होंने बैन किया हुआ ऑर्डर, इसलिए जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे ये ऑर्डर कर ही नहीं पाएगा, सिलेक्शन नहीं आएगा। अच्छा तो ये अभी बैन किया हुआ है, हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम उसका वो आया होगा, वो टेक्निकल टीम ने कर रखा होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही कंट्री ऑन करेंगे, तो ऑन करते ही यहाँ पे उसका कंट्री का लिस्ट आ जाएगा, ये आ गया कंट्री। ओके स्टेट को भी हम बैन कर सकते हैं, हाँ, जैसे स्टेट है, स्टेट, जी स्टेट को भी बैन कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पे कोई स्टेट नहीं है फिलहाल। ठीक है, स्टेट नहीं आ, जैसे मैं खाली कश्मीर में करना चाहता हूँ तो मैं कश्मीर रखूंगा ना, नहीं तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। जी, आपकी चॉइस। जैसे अभी शिपिंग स्टेट, अभी स्टेट अगर हम इस यस ऐड यस यस ऑन करना चाह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि अभी कश्मीर में करेंगे आप, जम्मू कश्मीर, ये है ना जम्मू कश्मीर नीचे। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, ये है जम्मू कश्मीर। जस्ट उसी स्टेट पे ही होगा, अदर कोई दूसरे स्टेट पे नहीं राइट, होगा। नहीं होगा इसके जी। अंदर भी अगर आप ये कहते हैं कि उस जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिटीज है, वो उन सिटीज में से कौन कौन सी सिटीज में आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, मतलब फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा आप अगर इसमें से कोई हाँ, चीज बैन करके रखना चाह रहे हैं तो भी रख सकते हैं, इसमें अराउंड बहुत सारी वेरी गुड सिटीज जी इसमें अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप सिटीज भी इनेबल कर सकते हैं। मतलब ये कहने की बात यह है अच्छा कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जी आप इसको जो है चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारी सिटीज आ ओके गए ठीक आपका। ठीक है, उसका यहाँ पे आपका फुल एड्रेस आएगा। तो अभी तो मैं है। जस्ट टेस्टिंग के लिए डाल रहा हूँ, तो ये सपोज के टी चौवन,
उसका मैंने इसको सेव कर दिया। हाँ मल्टीपल एड्रेस अगर अच्छा ऐड करना चाहें आप तो मल्टीपल एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं आप क्या अकॉर्डिंग ना, अच्छा यूजर को ये पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ ओके गया, ओके यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि होम होम डिलीवरी डिलीवरी और दूसरा ऑप्शन है पिकअप, यानी आपका जहाँ पे वेयर हाउस है या जहाँ पे आपका जी गोडाउन है या जी आपका अगर नॉर्मल फिजिकल दुकान भी है तो वहां से भी बंदा यस जाके पिकअप कर सकता है सामान ले जाके, राइट क्योंकि राइट गुड ये गुड आपका लोकल पिकअप का आ जाएगा, वो सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी हमने को होम अभी डिलीवरी का ऑप्शन एनेबल किया हुआ, तो यहाँ पे जस्ट हमने होम डिलीवरी क्लिक किया। होम डिलीवरी पे क्लिक ओके करते यहाँ पे ऑप्शन आ गया, आपका दो ऑप्शन आया हुआ, एक कैश ऑन डिलीवरी और दूसरा जो ऑनलाइन का, ऑनलाइन का भी रोजोन पे का जी लगा हुआ है। तो अभी मैं इसको जस्ट कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमने जस्ट ठीक कैश ऑन है डिलीवरी क्लिक किया, तो ये ऑर्डर यहाँ पे जी कूपन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर जो अभी आपका प्लेस्ड हो गया है, ये ऑर्डर की आईडी जो है यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे अभी स्टेटस का पेंडिंग है। ठीक ओके है, यहाँ पे जब इसमें नाम भी आ गया तो ये इसमें इसका स्टिकर आएगा जैसे वो पैकेज के ऊपर स्टिक करना है ना मैं आपको सब बता रहा हूँ सर, ओके थोड़ा ओके नो ठीक प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम ये जो है ये आपका आ गया इस तरह से, ये आपका ऑर्डर की डिटेल है। अब रही बात ये जो ये ऑर्डर को आप जब ये कस्टमर को तो डिलीवर कर दे, सेम यही प्रोसेस आपका ऐप का भी है। ठीक है, और ये जो है जब ये ऑर्डर आप देखेंगे कि ऑर्डर कहाँ पे आया नहीं आया, तो आप यहाँ पे ऑल ऑर्डर करके देखना चाहें, अब ऑल ऑर्डर करके सारे ऑर्डर देख सकते हैं जिन जो ऑर्डर आप अभी फिलहाल आया है। ये ऑर्डर जो अभी फिलहाल ओके आया हुआ है जी इसमें इतने का ऑर्डर है, और उसके बाद यहाँ पे रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल इस तरह का उसमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जब हम इसमें ओके करेंगे, देखेंगे इस ऑर्डर को, ऑर्डर को देखने के बाद यहाँ पे जो डिलीवरी बॉय होगा उस डिलीवरी बॉय को यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो डिलीवरी बॉय को ऐड करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा ओके डिलीवरी के सेक्शन पे, यहाँ पे डिलीवरी सेक्शन पे ऐड करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे अगर जी हम देखेंगे तो यहाँ पे एक डिलीवरी बॉय है अवेलेबल है, इसमें डिलीवरी बॉय के नाम से ही अवेलेबल है। अगर आप ओके एक से ज़्यादा भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस ठीक है। ठीक है, ठीक तो ये आपका डिलीवरी बॉय ऑलरेडी एक सिलेक्टेड है, उसका ये अभी पेड है हुआ नहीं पेड हुआ पेंडिंग है, कंफर्मेशन करना। तो इसको पहले सबसे पहले तो हम इसको कंफर्म करेंगे। ठीक, ओके जैसे हम इसको कंफर्म करेंगे तो हम ये जो ऑर्डर हमारा है इस ऑर्डर आईडी के थ्रू जो है कस्टमर जो ट्रैक कर सकता है, ये सभी यहाँ पेंडिंग था तो ये पेंडिंग इसमें का भी दिखा देगा जहाँ ये ऑर्डर जो अभी कंफर्म हो गया है। तो ठीक है अभी कंफर्म हुआ, इसका अगर आप फॉलो देखना चाहेंगे जो इसका अगर वो ट्रैक करता है तो किस तरह से फॉलो दिखेगा कस्टमर को, तो कस्टमर का जो ट्रैकिंग आईडी है उस ट्रैकिंग आईडी के अकॉर्डिंग वो अपना फॉलो भी देख सकता है। यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है तो ये जस्ट ऑर्डर अभी कंफर्म हुआ है। अब ये ऑर्डर जैसे ही डिलीवरी बॉय को असाइंड होगा, यहाँ पे डिलीवरी बॉय को इसमें लिखेंगे ये असाइंड हो गया, तो इसमें हम ये करेंगे टिक करेंगे यहाँ पे जो पिकअप, जैसे इसमें देखा पिकअप हो गया तो इसमें स्टेटस इसका चेंज हो जाएगा जहाँ ये अभी पिकअप के मोड पे है। स्टेटस आप देखेंगे तो इसे बोल के या पिकअप के मोड पे है। ये शिपिंग मेथड ये आ गया, ये कैश ऑन डिलीवरी ये दिखा दिया, स्टेटस डिलीवरी ये अभी पिकअप का है। ठीक है, चलो ओके जैसे इसमें तभी चेंज करेंगे आप जो ऑन द वे यानी डिलीवरी वाइज है ऑन द वे है। ऑन ठीक द है, वे तो ये जो चीज़ें फंक्शनलिटी ये सब डिलीवरी ऐप में ही इस तरह फंक्शन में रहेगा। जैसे वो ओके चीज चूज करेगा जो ऑन द वे तो यहाँ पे भी वो तुरंत जो है वो अपडेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपका यहाँ पे जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तो ऑर्डर जो है वहाँ पे वो कंप्लीट दिखा देगा, यहाँ पे आपका पेड दिखा देगा। तो आप यहाँ पे ओके रिफ्रेश जैसे करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ था ये कैश ऑन डिलीवरी का मेथड, तो ये सो जो डिलीवरी बॉय इसको अपडेट कर देगा जब उसने डिलीवर कर दिया मोबाइल से ही हाँ, ये ओके डिलीवरी ऐप में ये सारी फंक्शनलिटी रहेगा, ये चीजें ओके जी आपको देखने को मिलेगा। अब रही बात ये कि आपका जी डिलीवरी का जो वो ऐप है वो किस हिसाब से काम करेगा और वो डिलीवरी ऐप को किस टाइप का रहेगा, ये एक चीज़ है। तो मैं ओके डिलीवरी का वो भी दिखा देता हूँ ऐप। ये तो मैंने आपको वेबसाइट पे सारी चीज़ें मैंने दिखा दी, यहाँ पे ये जी ऑर्डर ये डिलीवर्ड हो गया, स्टेटस देखें ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया, ये हो गया। अब अगर इसका ये बात करें आप कि इसका का जो डिलीवरी ऐप रहेगा वो डिलीवरी ऐप किस टाइप से रहेगा, तो को मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ डिलीवरी ऐप का मॉडल किस हिसाब से काम करेगा। आपको ऐसे मैंने भेजा हुआ है बट अभी मैं आपको दिखा जी देता हूँ तो अच्छा रहेगा। ओके ये ये डिलीवरी ऐप है, अच्छा इसमें जो डिलीवरी चार्जेस है ना वो लोकेशन के साथ चेंज कर सकते हैं
हाँ, चेंज कर सकते हैं, अभी आपको वो भी बता देता हूँ। अच्छा डिलीवरी ओके डिलीवरी चार्जेस अगर आप उसको चेंज करना चाहेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहेंगे, एरिया वाइज चाहेंगे, स्टेट वाइज चाहेंगे, वो चीज़ें आप कर सकते हैं, इसको इसमें कोई इशू नहीं है। ओके अच्छा, एक बात इसके अंदर और भी है कि आप अगर जब सेलर ऐड कीजिएगा, तो सेलर जी ऐड जो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज कमीशन भी ऐड कर सकते हैं। जो आप कमीशन हाँ कमीशन जो होगा वो कैटेगरी जी वाइज भी आप ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जैसे ये है, ओके यहाँ पे ये है सेलर कमीशन, तो यहाँ पे सेलर कमीशन जो ऐड करेंगे तो कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, या फिर पूरा अगर एक साथ चाह रहे हैं कि एक परसेंटेज हिसाब से सारे इसमें करना चाहेंगे टोटल इस पे, तो भी उसमें कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब रही बात अगर अच्छा शिपिंग शिपिंग जो कॉस्ट आपने पूछा है, तो शिपिंग जी कॉस्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग उसको ऐड कर सकते हैं। ये ओके आपका शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे है प्रोडक्ट वाइज शिपिंग लेना चाहे वो ले सकते हैं, फ्लैट रेट लेना चाहे वो ले सकते हैं, सेलर वाइज शिपिंग लेना चाहे वो ले सकते हैं, ना जैसा अच्छा चाहेंगे वैसा एरिया कर वाइज सकते हैं, एरिया वाइज करना वेरी चाहिए गुड वैसा कर वेरी सकते गुड हैं। तो ये चार तरह का ठीक है ऑप्शन है, आप जैसा ओके चाहेंगे ठीक उस हिसाब से आप उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। है और हाँ, रही बात अब इसकी के जो डिलीवरी ऐप होगा, डिलीवरी ऐप किस हिसाब से आपको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है डिलीवरी ऐप, मैं उसका सिर्फ फॉलो दिखा देता हूँ। ये आपका डिलीवरी ऐप है, इस टाइप से आपका डिलीवरी ऐप रहेगा, और ये इसमें हम आपका, लोगो अपना डाल सकते हैं व्हाइट लेबल कर सकते हैं ना हाँ, ये मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ डिलीवरी का ऐप को, सिर्फ फॉलो दिखा रहा हूँ किस हिसाब से काम करेगा, ये कैसा दिखेगा। उसे मैंने आपको भेजा हुआ है डिलीवरी ऐप इसका, जी। तो ये इस तरह से ये काम करेगा। ओके अब अगर कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं अभी मैं ये जो पूरा ना एक फ्लो देखता हूँ उसमें आप मेरे पूरे लिंक्स भेज दीजिए जी तो ये पूरा लिंक्स इससे पहले आपने जो दिखाया ना वो यहाँ ये वाला जो क्या था वो शॉपी जो बोल रहे थे ना सिंगल वेंडर के लिए तो उसमें उसमें इतने फीचर्स नहीं है। नहीं, उसमें तो नॉर्मल है। अच्छा